રામાયણમાં ડિસ્ક્રાઇબ જ નથી થયા અને જેણે બેક સ્ટેજ રોલ બનાવ્યો છે જવાબદારી એને મૂકી બાજુમાં અને અત્યારે તો એ ખોવાયેલા છે લક્ષ્મણ जी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर. बीइंग बरोडियन आर्ट तो हमारे जीवन में वैसे भी है ही बिकॉज हम बरोडियन हैं कहा जाता है कला नगरी और कला नगरी की शान में ये जो शाम है वो भी बहुत सुंदर है. और जैसे मैंने सुना है कि ये जो पेंटर है डॉक्टर रविदर्शन व्यास वो राजा रवि वर्मा से काफ़ी इंस्पायर्ड हैं तो वो सारी झलकियाँ जो हैं वो हर पेंटिंग में हमें दिख रही हैं. और मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है कि ये सारी पेंटिंग सिर्फ देखने में नहीं लेकिन पढ़ने में भी उसका इतना मज़ा है. हर पेंटिंग के पीछे जो एक डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही महत्व रखता है और वो पढ़ के आई गेस बरोडियन और ज़्यादा इसे एंजॉय कर पाएंगे, पेंटिंग को समझ पाएंगे, शायद उससे ज़्यादा रिलेट भी कर पाएंगे. तो मैं उनकी इस मेहनत को और उनकी इस पैशन को सीरियसली सराहना देती हूँ. बिल्कुल, काफ़ी एग्जीबिशंस में हम जाते हैं और वहाँ से कई बार पेंटिंग को देखकर थोड़ा क्लूलेस होकर भी वापस आते हैं कि शायद यहाँ पेंटर क्या कहना चाह रहे होंगे. बट मुझे रविदर्शन जी की ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पेंटिंग के साथ उसको एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है और बहुत बखूबी शब्दों में उसे रखा है. तो पेंटिंग सिर्फ देखना नहीं, पेंटिंग पढ़ना, ये जो एक मौका मिला है शायद बरोडियन इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं. ध्वनि भट्ट जी, आपने ये जो हिम जो प्रदर्शन है आयोजन किया है, किससे प्रेरणा लेकर और किस तरह से पूरा आयोजन किया है? भुवनेश्वरी शक्तिपीठ तो सब जानते हैं, गोंडल के अंदर काफ़ी फेमस जगह है. बचपन से ही पैलेस में आते थे तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स तो मैं देखता था उनको काफ़ी. 2003 में इंस्पिरेशन हुआ कि मैं सीरियसली उनकी जो शैली है उसको फॉलो करूं, तो राजा रवि वर्मा की शैली और मेरे ट्रैवल के दौरान जो भी लोकेशंस मुझे पसंद आए, श्रीलंका है, थाईलैंड है, या तो लक्ष्मी विलास पैलेस ही ले लीजिए, तो उसको मैंने क्लब करके ये एक अनोखी सीरीज़ बनाई है जिसमें मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी है, लोकेशंस भी इतने खूबसूरत है, काठियावाड़ के सीन्स भी इतने खूबसूरत मैंने लिए हैं. फैमिली वार्डरोब में से मैंने काफ़ी चीज़ जो मुझे पसंद है उसको इंक्लूड किया है. आर्टिफैक्ट्स मेरे घर में है या तो म्यूज़ियम के दौरान, म्यूज़ियम में जब हम जाते हैं और जो हमको चीज़ पसंद आती है उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है. तो इट्स अ फ्यूजन. इंडो वेस्टर्न स्टाइल जो राजा रवि वर्मा बनाते थे उसको मैंने 2019 की एक शक्ल देके एक नया प्रयास किया है इसको बनाने में. सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बने खूबसूरत, उसकी फ्रेमिंग की भी मैंने उसको मैच किया है. यानी सीता इन श्रीलंका अगर मैंने सीरीज बनाई तो श्रीलंकन कार्विंग्स भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है. और खूबसूरती ये है कि ये सब लोकल कारीगरों ने बनाया है तो काफ़ी मेहनत की है मैंने और मेरी टीम ने. प्रेजेंटेशन भी इतना खूबसूरत हुआ है. जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है इंग्लिश में तो वो एज ए आप जैसे एक नोवेल पढ़ रहे हैं इंग्लिश, तो वो भी खूबसूरत हमने इतना बनाया है इसको. तो है ही, लेकिन मैंने जैसे आपने जो बड़ी पेंटिंग देखी ग्रैंड फिनाले तो वो भुवनेश्वरी का है. तो भुवनेश्वरी जो देवी भागवत के अंदर जो डिस्क्रिप्शन हुआ है उसको मैंने ड्रामेटाइज किया है. यानी मैं पढ़ता गया और मैं ये पेंटिंग बनाता गया. तो इस तरह से ये काफ़ी यूनिक चीज़ बनी है क्योंकि भुवनेश्वरी को देवी भागवत के जो ग्रंथ है उसको अब का सीन देना, यानी मैसूर पैलेस मैंने लिया है, तो उसको क्लब करके बनाना ये एक नई स्टाइल है.